हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विवा। आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेस्ट विद विवा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ठेकुआ की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ठेकुआ को बिहार में खजुरिया के नाम से भी जानते हैं और इसे किसी भी पर्व त्यौहार पे बनाया जाता है। खास करके हम इसे छठ पर्व पे बनाते हैं, छठ पूजा पे इसे बनाया जाता है और ये बहुत ही स्पेशल स्पेशल डिश माना जाता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बॉल में मैदा ले ली हूँ और उसी बॉल से सेम बॉल में हम 1/4 कप सूजी ले ली हूँ। मैदा यहाँ पे मैं 300 ग्राम ली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं चीनी 1 कप ले ली हूँ, जो 125-30 ग्राम के आसपास है। यहाँ पे मैं मोटी वाली शुगर यूज की हूँ और यहाँ पे मैं कद्दूकस किए हुए कोकोनट भी ले ली हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ ले ली हूँ, 50 से 60 ग्राम मेल्ट किया हुआ। मैं होममेड घी यूज की हूँ, आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं, चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम शुगर को मेल्ट करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, हाफ कप, यहाँ पे हाफ कप ही पानी ले, मैं 1 कप ली थी तो थोड़ा सा बची गया मेरा शुगर सिरप। तो इसे हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, पूरा मेल्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा चीनी का जो टेक्सचर रहेगा वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा मेल्ट कर की हूँ और थोड़ा सा ऐसे छोड़ दी हूँ। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें डो लगाना है। तो यहाँ पे पहले मैदा ले लेंगे, आप चाहे तो व्हीट फ्लोर का भी बना सकते हैं, गेहूं के आटा जो रेगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी मैदा का बनाई हूँ, तो इसमें सब कुछ डाल दूंगी, सारा इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ली हूँ 1/2 टीस्पून टेस्ट के लिए, सभी को डाल दूंगी अच्छे से। इसके बाद दोनों हाथों से रब करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से मिक्स करने से इसमें अच्छे से मोए आते हैं, अच्छा सा खास्ता पन आता है। तो इस तरह से रगड़ते हुए दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छा से मिक्स कर ले। अब देखिएगा इसका टेक्सचर अभी कितना अच्छा दिखेगा। जो बचे हुए घी थे, मैं इस तरह से थोड़े से आटा डाल के डाल देने से सारे घी निकल जाते हैं। ये देखिए, दोनों हाथों से रगड़ने के बाद देखिएगा इसका टेक्सचर अभी बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी सूखा सूखा था और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, येलो येलो। और ये देखिए, मुट्ठी इस तरह से बांधने से ये लड्डू की तरह बन रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया है। अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप ऐड करें, एक ही बार में ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमें बस सारे आटा को सेट करना है, एकदम हार्ड हार्ड ही रखना है, टाइट डो ही रखना है, इसे आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। तो थोड़ा थोड़ा शुगर इस तरह से डाल के हम मेल्ट करते जाएंगे, मिक्स करेंगे। मैं सारा चीनी भी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है ठकुआ में। तो ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से मैं मिक्स करें, देखिए सूखा सूखा ही है। तो इसमें और हम थोड़ा थोड़ा 2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालें। इस तरह से देखिए, हल्का हल्का हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये अभी भी थोड़ा सूखा ही लग रहा है, थोड़ा सा और इसमें शुगर डालेंगे। अब मिक्स करके देखते हैं। तो ये देखिए, अब एक सब जगह ये इकट्ठा होने लगा है। तो ये देखिए, इकट्ठा होने लगा है ये। अब हम इसमें शुगर सिरप नहीं डालेंगे, इतना ही डालें कि वो लड्डू की तरह बंध जाए। तो ये देखिए, लड्डू की तरह बंध रहे हैं। अब हम सभी को अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर सबको हम
सभी का बॉल्स बना के रेडी करेंगे ठेक वे के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है एकदम से। अपना एक छोटा सा लोई लेंगे हम, इसे ओवन शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, और लोई भी आप अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से सारी लोई बना के हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए ठेकवे के लिए। अब हम इसके ठेकवे बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं है, एकदम से हार्ड है, और बस लड्डू की तरह बन रहे हैं। बस इतना ही इसका होना चाहिए टेक्सचर। तो ये सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसका ठेकवा बनाते हैं। तो अगर आपके पास साँचा है तो साँचा का प्रयोग करें, और अगर साँचा नहीं है तो इस तरह से दोनों हथेलियों से पहले प्रेस कर दें और फोक की सहायता से उस तरह से डिजाइन बना दें। तो ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन दिख रहा है। इस तरह से दो तीन डिजाइन में बना सकते हैं। इस तरह से लीफ का डिजाइन में दे रही हूँ इस बार। इस तरह से ये देखिए पत्ते बन गए, पत्ते के आकार के, ये कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको प्लेन दोनों हथेलियों से दबा दें और इसे प्लेन ही रखने दें, उसका भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही क्रिस्पी, उसका भी टेस्ट आता है क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये देखिए अलग अलग डिजाइन हम बना देंगे, फॉक्स से भी बहुत सारे डिजाइन बन जाते हैं। अब हम देखिए दूसरा डिजाइन बना के दिखाते हैं। इस तरह से नाइफ के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से प्रेस कर दें और हम इसे स्क्वायर का इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए ये भी कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से प्रेस कर दें और फिर हम इसे डायमंड शेप दे देंगे। ये भी कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से हम अपने सारे ठेकुआ बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। और इसे पहले हीट होने दे, तेल को अच्छे से गर्म कर ले, फिर जाके उसमें एक एक करके अपने सारे ठेकवे डालें, जितने उसमें आ सके उतना ही डालें, और फिर गैस को इस लो कर दे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाए लटपट के। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये लो फ्लेम पे पकाने से क्या होता है कि जलता भी नहीं है और अंदर तक ठेकवे अच्छे से सिक जाते हैं, थोड़ा सा भी कच्चा नहीं रहता है। तो दोनों साइड से कलर आने तक इस तरह से पलट पलट के आप सिझा लें। और फिर ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने सारे ठेकवे को बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ठेकवे बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए हल्का सा प्रेस करने से देखिए टूट जाता है। ये अंदर से बहुत ही खास्तापन है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका बाहर से दिख रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और इसे बना के महीनों भर तक स्टोर कर सकते हैं। ये बड़े बच्चे बूढ़े सबको बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही सबको स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।